देश सेवा के लिए हमेशा पुलिस और आर्मी तत्पर रहती है, ये बात आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन किसी को प्रेरणा मानकर अपने कार्य को और बेहतर कर दिखा रहे हैं उज्जैन चामुंडा माता चौराहे पर उपस्थित ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ अशोक। वो एक तरफ तो जहां बुजुर्गों को राह दिखाते हैं तो वहीं लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ाते हैं। कोई भी मौसम उन्हें रोक नहीं पाता, गर्मी ठंड या बारिश हो, सभी मौसम में एक सी तत्परता से वे लगातार काम करते रहते हैं। यूट्यूब को आमतौर पर लोग मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन अशोक इसे माध्यम मानते हैं प्रेरणा स्रोत का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक को इस तत्परता से काम करने की प्रेरणा रंजीत सर से मिलती है। रंजीत सिंह इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर एक अलग ही अंदाज में ड्यूटी करने के लिए मशहूर हैं। उनके वीडियो यूट्यूब पर देख कर कार कर रहे हैं। उज्जैन में सभी दूसरे रंजीत के नाम से उन्हें जानने लगे हैं। उज्जैन में पहले 2-3 चौराहों पर ही सिग्नल हुआ करते थे, इसलिए सामान्यतः लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती थी। यहां तक कि आज भी कई बुजुर्ग व्यक्ति नियमों को नहीं जानते और रास्ते पार करते समय सिग्नल पर ध्यान नहीं देते हैं और दौड़ती हुई गाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। इस समस्या का समाधान भी इस ऑफिसर ने निकाल लिया और बुजुर्गों की मदद करते हुए उन्हें नियम बताकर जेब्रा लाइन से सड़कें पार करना सिखा दिया। उज्जैन शहर में सिग्नल कम ही थे, सिंहस में कई चौराहों पर सिग्नल लगाए गए जिसके कारण कई लोग रेड लाइट देखे बिना ही निकल जाया करते थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें नियमों की जानकारी ही नहीं होती थी, जिसके चलते बहुत से लोग नियमों का पालन नहीं करते थे। अब ऑफिसर अशोक को खुशी है कि लोग नियमों का पालन करने लगे हैं। अब जब ग्रीन लाइट पर चलते हैं गाड़ियां तो रेड लाइट पर रुकते भी हैं, तो उन्हें इससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी का सबसे ज्यादा क्रेडिट वो उज्जैन की जनता को देते हैं कि जनता ने उन पर ध्यान दिया और ट्रैफिक नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। जब उनसे उनके दूसरे से अलग तरीके से काम करने की बात पूछी गई तो उनका कहना था कि ट्रैफिक वाले सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, बस सबका अपना अपना तरीका होता है। वहीं जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि कम स्पीड में गाड़ियां चलाएं और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। साथ ही उनका कहना है कि जब मुझे सैलरी एक तीनों मौसम में मिलती है तो काम भी तो बारिश गर्मी और ठंड सब मौसम में करना मेरा कर्तव्य बनता है। सर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं सन 2004 से पुलिस विभाग में पदस्थ हूँ और 2004 से लेकर आज मैं 2019 तक अभी भी पुलिस में हूँ और मेरे को 8 से 9 माह ट्रैफिक में हुए है। 8 से 9 माह से मैं ट्रैफिक में सेवा दे रहा हूँ और ये प्रेरणा मुझे ट्रैफिक जब थानों पर था, जब सिग्नलों से निकलता था तब देखता था कि कितनी भीड़ वहाँ पे, पब्लिक कितना रूल्स को तोड़ती है, सिग्नलों पे नहीं रुकती है। तो जब मेरा ट्रैफिक में मेरा भी एक अपना अपने एक अंदर सोच थी कि अगर मेरा ट्रैफिक में होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था को सुधार करूँगा। हाँ सर, थोड़ा सा ये कहा जा सकता है ड्यूटी वो भी करते हैं सर और बाकी उनका एक तरीका अलग है, बट मेरा तरीका अलग है और मैं इंदौर के जो रंजीत जी हैं उनको फॉलो करता हूँ, हाईकोर्ट के सामने जो ड्यूटी करता हूँ उनको फॉलो करता हूँ, उनको यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ और जैसे देखता हूँ तो उनको फॉलो करके जो पब्लिक उनके इंदौर में जो जितना सपोर्ट करती है उनको देखती है और ट्रैफिक के रूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनके देखने पर जो फॉलो होते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी उन्हीं के स्टाइल में यहाँ पे काम करूँ, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करे, सिग्नलों पे रुके, रेड सिग्नल क्रॉस ना करें।